वेलकम टू एशियाज यंग गाइस। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 फील्ड विजिट के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो जो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के पीछे दी होती है उसको हम सॉल्व करने वाले। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे है वो है मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट। तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप अपने फील्ड विजिट पर रिपोर्ट बनाओ। फील्ड विजिट चैप्टर हमने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन देखा है प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हमने देखा कि वो जो फील्ड विजिट यहाँ एक्सप्लेन किया गया है डायलॉग फॉर्म में कि कैसे नलदुर्ग से लेके अलीबाग तक जो बच्चे जाते अपने टीचर के साथ, तो हमको अपना खुद का फील्ड विजिट का रिपोर्ट बनाना है। तो अब ये ओपन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में जो पीछे सेकंड क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चनायर फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री। तो फील्ड विजिट जो है, फील्ड विजिट आप कहीं भी कर सकते हैं। फील्ड विजिट फैक्ट्री को भी हो सकती है, फील्ड विजिट जैसे यहाँ पे कोई लोकेशन को भी हो सकती है, फोर्ट को हो सकती है, कोई भी जगह को हो सकती है। तो ये रिपोर्ट भी एक्चुअली हम फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री करके बना रहे हैं, एक्चुअली ओपन एंडेड, आप कहीं का भी फील्ड विजिट का लिख सकते हैं, लेकिन ये आंसर में हम फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री कर रहे हैं। टाइटल देंगे रिपोर्ट को फील्ड विजिट टू शुगर फैक्ट्री, और फैक्ट्री का नाम है वारना सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड। ऑब्जेक्टिव क्या है फील्ड विजिट का, टू अंडरस्टैंड फंक्शनिंग ऑफ अ शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री में क्या क्या लगता है, रिसोर्सेज क्या क्या रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल क्या चाहिए, मैन पावर लोग कौन, मशीनरी क्या होती है, प्रोसेसिंग स्टेजेस क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं इंडस्ट्री में, स्टेजेस होते हैं, और मार्केटिंग कैसे करते हैं। उसके लिए हम इन्फॉर्मेशन गैदर किए हमने रिपोर्ट राइटिंग के लिए। तो लोकेशन पहला इन्फॉर्मेशन जो है वो है द फैक्ट्री इज अ कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश्ड इन 1955 इन वारना कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। और लोकेशन के बारे में और डिटेल, इट इज अबाउट 400 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मुंबई, और रिवर वारना के ऊपर नाम है। रिवर वारना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा एंड इट एंश्योर्स इरिगेशन इन द रीजन फैसिलिटेटिंग शुगर केन कल्टीवेशन। तो वारना शुगर फैक्ट्री जो है वो रिवर वारना जो वहाँ पे फ्लो होती है वो ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और वो रिवर की वजह से यहाँ इरिगेशन पॉसिबल है इस एरिया में, और ये रीजन में इरिगेशन होने की वजह से ही शुगर केन कल्टीवेशन होता है। एक बात इम्पोर्टेंट है, शुगर केन को बहुत पानी लगता है, इरिगेशन उसको ज्यादा चाहिए, तो जैसे उसमें भी पानी रस इतना होता है शुगर केन में, तो वाटर याद रखना है कि हमको शुगर केन के लिए हमेशा ज्यादा वाटर लगेगा, इरिगेशन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ इरिगेशन है, शुगर केन है, रॉ मटेरियल है, इसलिए शुगर फैक्ट्री यहाँ लोकेटेड है और अच्छे से फंक्शन कर सकती है। तो ये इनिशियल पार्ट हुआ, आगे देखते हैं। अभी प्रोसेस का इन्वॉल्व, तो इट प्रोसेसेस शुगर केन टू प्रोड्यूस रॉ एंड व्हाइट शुगर। तो शुगर केन रॉ मटेरियल है, एंड प्रोडक्ट इज व्हाइट शुगर या रॉ शुगर, और बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं, मतलब उसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि इथेनॉल होता है, पावर जनरेट होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स भी मिलते हैं। बगासे इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, ये बगासे जो होता है इट्स अ ड्राई पल्पी फाइब्रस रेसिड्यू दैट रिमेन्स आफ्टर शुगर केन जूस इज एक्सट्रैक्टेड। इट इज यूज एज अ बायोफ्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पल्प एंड बिल्डिंग मटीरियल्स। बगासे के बारे में हम डिटेल में हमको समझना जरूरी है, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो, ड्राई पल्पी फाइब्रस रेसिड्यू मतलब जो हम शुगर केन भी, हम जब गन्ने का जूस भी पीते तो शुगर केन जब उससे जूस निकाल लेते हैं वहां पे, तो मशीन से, वो तो छोटा सा मशीन होता है, तो जो बचता है वो ड्राई रेसिड्यू जो बचता है उसको बगासे कहते हैं। तो वो बायोफ्यूल की तरह यूज हो सकता है, उससे हीट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, और उससे पल्प वगैरह जो पेपर पल्प बनाने के लिए और बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए भी यूज होता है, उसके बारे में हमने लिखा। फिर एम्प्लॉइज फैक्ट्री में अराउंड 2000 एम्प्लॉइज है, ऐसे हमने लिख दिया है। अचीवमेंट्स क्या है फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री शुगर एक्सपोर्ट भी करती है, नेशनली भी सप्लाई करती है ऑल ओवर द कंट्री, और एक्सपोर्ट भी होता है, और फैक्ट्री वारना फैक्ट्री को काफी सारे अवार्ड्स मिले 1955 से, काफी सारे अवार्ड्स मिले। फर्स्ट प्राइज उसको बेस्ट टेक्निकल एफिशिएंसी इन द ईयर 1988-89 में मिला है, और वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करते रहते हैं। और लास्ट में हम फैक्ट्री के कंसर्न्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है वो लिखेंगे। तो मेन कंसर्न जो फैक्ट्री का है वो है फ्लक्चुएशन इन शुगर केन प्रोडक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज। सो इरिगेशन फैसिलिटीज है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, उनको वहाँ और इरिगेशन चाहिए। वारना रिवर तो है लेकिन वहां से रिवर से पानी फील्ड्स तक पहुंचे, तो इरिगेशन जो रिक्वायरमेंट्स है उनके वो फुलफिल होने चाहिए ताकि शुगर केन प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशन ना हो, कभी कम कभी ज्यादा, कभी अच्छा प्रोड्यूस कभी नहीं। तो अगर शुगर केन कल्टीवेशन बराबर होगा वहाँ पे, फ्लक्चुएशन नहीं होगा वहाँ पे, चेंजेस नहीं होगी उसमें, अच्छे से ग्रुप होगा तो फैक्ट्री भी अच्छे से चल पाएगी। तो कंसर्न मेनली उनका ये है। तो ये एक्चुअली फैक्ट्स सही है, इसको मैंने फेक कम फाकी करके नहीं लिखा है, एक्चुअली पता करके पूरा डिटेल दिया है यहाँ पे, और ये फर्स्ट प्राइज भी है, तो एक्चुअली वारना शुगर फैक्ट्री को फर्स्ट प्राइज मिला है। तो आप ये यूज कर सकते हैं अपने फील्ड विजिट की रिपोर्ट के लिए।
आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स इजीली कवर हो जाएंगे और ये पूरा कोर्स 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा। हमारे जो इस दो पैटर्न्स में कोर्सेज बनाए गए, एक है स्टिमुलस कोर्स और एक है बूस्टर कोर्स। तो आपको अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशंस की जरूरत है तो हमारे स्टिमुलस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत है तो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ आप साइंस कर सकते हैं जिसमें साइंस 1 साइंस 2 दोनों कवर होगा। सेकेंड कोर्स है बूस्टर कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनना, सिर्फ डाउट क्लियरेंस करना या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर आपको हम वीडियो पे बता दें उससे आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जो हमने ऑलरेडी बोला प्रिपेयर अ क्वेश्चनायर। तो प्रिपेयर अ क्वेश्चनायर फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के फील्ड विजिट में हमने ऑलरेडी फील्ड विजिट का रिपोर्ट ही बना लिया, तो क्वेश्चंस क्या होंगे वो इजी हो जाएगा। क्वेश्चनायर में हम देखेंगे द क्वेश्चनायर फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री में क्या क्या क्वेश्चन होंगे। 1, व्हाट आर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैक्ट्री, नंबर 1 क्वेश्चन। व्हेन वॉज द फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड, नंबर 3। What are the raw materials required for the goods manufactured in the factory? Simple है। 4th is where are the finished goods marketed? Are goods exported by the factory? तो ये सवाल हम पूछेंगे। 5th है what are the various processes machinery involved in goods production? 6th है how many workers are working in the factory? 7th is what environmental protection measures are taken by the factory? And lastly, a question is, what are the concerns, issues faced by the factory? तो ये हमारे questionnaire के 8 questions हो गए जो sufficient है। तो ये आपने देखे yellow highlight में भी वो important keywords है कि पहले हमको पूछना है कि क्या manufacture होता है, factory कब establish हुई, raw materials क्या लगेंगे, finish goods क्या क्या बनाती है factory, export भी करती है क्या, processes क्या involved है, machinery को involved है। तो ये जो हमने बगासे के बारे में लिखा तो वो end product एक important होता है sugar cane factory में, तो वो detail information जैसे हमने दी। बाकी factories में और कोई stages important होते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं, workers कितने काम कर रहे हैं और environmental protection measures, क्योंकि environment related issues आते ही है तो pollution नहीं होता, technically efficient है, जैसे वो सब है information हमको मिली। concerns क्या है factory के, concerns issues क्या है, तो ये 8 सवाल है। ये आप येल्लो keywords पढ़ोगे तो आप वो उसके बेसिस पे अपना आंसर लिख भी सकते हो। तो ये कीवर्ड्स याद रखने तो आप पूरा सेंटेंस उसके हिसाब से बना सकते हो। फिर नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है, हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग फील्ड विजिट। तो लिटर मतलब के जो हम कचरा करते हैं, फील्ड विजिट पे जाएंगे तो कचरा होता है, तो वो कचरा कैसे मैनेज करेंगे, मैनेज द लिटर। तो ये मार्च 2019 बोर्ड पेपर में सवाल पूछ चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। आई विल मैनेज लिटर ड्यूरिंग फील्ड विजिट बाय नंबर 1, नॉट कैरिंग प्लास्टिक डिस्पोजेबल मटेरियल टू द फील्ड विजिट। तो प्लास्टिक नहीं यूज करना है, जैसे पेपर प्लेट्स वगैरह। 2, सेग्रीगेट वेस्ट जनरेटेड इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो सेग्रीगेट कर सकते हैं हम, जैसे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो मटेरियल्स ब्रेक डाउन हो सकते हैं नेचुरल प्रोसेस से और इजीली नो बायोडिग्रेड होके एनवायरनमेंट में मिक्स हो सकते हैं, रिटर्न टू द एनवायरनमेंट। जैसे कि हम लकड़ा यूज करेंगे तो वुड इज वुड इज प्लांट सोर्स, तो प्लांट सोर्स जैसे वुड है, जेलेटिन कैप्सूल्स यहाँ बताए गए हैं, पीनट्स वगैरह जो भी मतलब प्लांट से मिलता है, एनिमल रिसोर्सेज से जो मिलता है, वो सारा जो है हमारी बॉडी से भी जो है यू नो नेल्स निकलते हैं, वो सब बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जैसे कि प्लास्टिक है, आयरन है, टायर्स है, एल्यूमिनियम है, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यहाँ पे भी जैसे बताया गया जो हमारा वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का जो भी रेसिड्यू होता है वो सब बायोडिग्रेडेबल होता है। पेपर, पेपर प्लांट सोर्स से बनता है, वुड, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो मैनमेड जैसे है प्लास्टिक बनाए जाते हैं, ग्लास बॉटल, कैन वगैरह जो है, मेटल ग्लास वगैरह, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल आएगा। तो हम जब भी फील्ड विजिट पे जाएंगे तो हम बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सेग्रीगेट करेंगे, और ये सेग्रीगेशन सिर्फ फील्ड विजिट के लिए नहीं होता, एक्चुअली गवर्नमेंट भी कहती है कि हमको भी हमारा डेली वेस्ट जो है सेग्रीगेट करना चाहिए, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो इजिली डिग्रेड हो सकता है, मेन्योर की तरह प्लांट्स में भी यूज किया जा सकता है, उसके काफी सारे यूजेस है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल को सिर्फ डंप करना पड़ता है। और अगर हम दोनों मिक्स करके यूज करेंगे, मिक्स करके डंप करेंगे, तो हमारा जो यूजफुल वेस्ट है वो भी पूरा डंप होता है और उसका कोई फायदा नहीं मिलता, और हमारा डंप यार्ड जो है, जैसे आप देखे होंगे
बड़े बड़े डंप यार्ड होते हैं जहाँ पे कचरा सिर्फ फेंका जाता है, वो पूरा माउंटेन ऑफ वेस्ट बन जाता है, तो वो बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर हम बायोडिग्रेडेबल सेग्रीगेट करेंगे तो वो डंप भी कम होगा और यूजफुल यूज भी होगा। तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फील्ड विजिट पे भी हम जाएंगे तो हम हमारा वेस्ट जो है सेग्रीगेट करेंगे। वही हमारा सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है बिन बैग्स कलेक्ट करो। लिटर है, हम वेस्ट की बात कर रहे हैं तो बिन बैग्स चाहिए। ट्रैश जो जनरेट होगा उसको बिन बैग्स में डालेंगे, सेपरेटली यूज डालेंगे सेग्रीगेट करके, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग अलग बिन बैग्स, और डस्टबिन्स जहाँ दिखेंगे वहां पे ये वेस्ट डाल देंगे। एंश्योरिंग दैट नोबडी लिटर्स ड्यूरिंग फील्ड विजिट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दूसरों को भी लिटरिंग करने नहीं देंगे, उसका एडवर्स इफेक्ट जो है, गलत इफेक्ट होता है जो एनवायरमेंट पे, बुरा असर, उसके बारे में लोगों को बताएंगे। तो वो ये दो पॉइंट्स तो दूसरों के लिए है। और पहला तो हम घर से ही कुछ लेके नहीं जाएंगे, और सेग्रीगेट करके बिन बैग्स और डस्टबिन्स की हम बात कर रहे हैं। बिन बैग्स हम रखें क्योंकि हम फील्ड विजिट पे जाते हैं तो हर जगह पे हमको डस्टबिन्स मिलना एवरी पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। ट्रैवलिंग में हम कहीं व्हीकल में है तो हमको नहीं मिलेगा, तो बिन बैग्स में हम अपना सेग्रीगेट करके वेस्ट रख सकते हैं, और जब डस्टबिन्स दिखे तो उसको डंप कर सकते हैं। तो ये लिखा है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। ये मार्च 2019 में सेम क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और आपके जो बोर्ड पेपर्स है, बोर्ड ने एक्चुअली प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स दिया था, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स में थोड़ा अलग से यही सवाल पूछा गया है, उसका आंसर एक्चुअली अलग हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर तीन दिए गए थे फर्स्ट एग्जाम 2019 से पहले। तो ये है, गिव ज्योग्राफिकल रीजन, इट इज इम्पॉर्टेंट टू मैनेज लिटर जनरेटेड ड्यूरिंग फील्ड विजिट। तो ये टेक्स्ट बुक के पीछे का सवाल नहीं है, पर क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट में है तो ये भी आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये आंसर भी हम देख लेंगे कि लिटर मैनेज करना जरूरी है, इसका रीजन क्या है। तो हम इधर पॉइंट्स नहीं लिख सकते कि हम लिटर कैसे मैनेज करेंगे, पर जरूरी क्यों है उसके पॉइंट्स लिखने। तो आंसर क्या आएगा, इट इज इम्पॉर्टेंट टू मैनेज लिटर ड्यूरिंग फील्ड विजिट बिकॉज नंबर वन, लिटरिंग ड्यूरिंग फील्ड विजिट especially plastic can harm the environment and biodiversity for thousands of years as it does not it is non biodegradable. The segregating waste generated into biodegradable and non biodegradable is therefore essential, and carrying bin bags to collect the trash generated during the field visit helps in best managing litter generated. Littering destroys the aesthetics and beauty of the place. It may result in choking drainages and rivers, resulting in floods and other environmental hazards. तो ये आंसर में हमने क्या किया, पहले हमने लिखा कि लिटर जनरेट जो होता है उसको मैनेज करना जरूरी है, मतलब कि हमको फील्ड विजिट में जब लिटर करते हैं प्लास्टिक वगैरह से तो क्या होगा, एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी को हार्म होगा, तो कचरे से एनवायरमेंट को हार्म होता है तो सबको पता है। तो वही फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि स्पेशली अगर प्लास्टिक होगा तो एनवायरमेंट को बहुत हार्म होगा, हजारों साल तक हार्म होगा, वो नॉन डिग्रेडेबल है। तो इसलिए सेकेंड पॉइंट वही, सेग्रीगेट करो डिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल में, वो एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है वो हमारा सवाल है, तो वही है कि हमको मैनेज करेंगे तो लिटरिंग से, अगर हम लिटर करेंगे मैनेज नहीं करेंगे तो एस्थेटिक्स और ब्यूटी जो जगह की है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिटरिंग से एस्थेटिक्स ब्यूटी जगह की जो है सुंदरता वो बिगड़ जाती है। हमको कहीं भी हम अच्छी जगह जाएंगे और वहां पे कचरा पड़ा होगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। माउंटेन्स वगैरह पे गए, ट्रैकिंग करके गए, वहां पूरा कचरा बिखरा हुआ है, हमको अच्छा नहीं लगेगा। ये टाइम ऐसा है कि ये हालत ऐसी है कि इवन हिमालयस पे जब क्लाइम करते तो वहां पे भी लिटरिंग क्या होता है, ये बहुत बड़ा इशू है फील्ड विजिट्स पे जब लिटरिंग होता है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वो जगह की ब्यूटी बिगाड़ देती है। और नंबर फाइव है कि अगर कचरा पड़ा होगा तो रिवर्स ड्रेनेजेस जो है वहां पे चोकिंग हो जाती है, और वो रीजन में फ्लड्स और एनवायरमेंटल हजार्ड्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू मैनेज लिटर ड्यूरिंग फील्ड विजिट। फिर अगला सवाल है नंबर फोर, व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर द फील्ड विजिट। तो फील्ड विजिट पे जब हम जाएंगे तो आप अपने साथ क्या क्या आइटम्स लेंगे, ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे का सवाल है। टेक्स्ट बुक के पीछे एक्चुअली पांच सवाल है। तो नंबर वन, द आइटम्स आई विल टेक फॉर अ फील्ड विजिट आर नंबर वन, नोटबुक, नंबर टू पेन्स, पेंसिल, स्टेशनरी, क्योंकि क्वेश्चन आयर वगैरह नोटिंग डाउन के लिए हमको चाहिए, क्वेश्चन आयर चाहिए, बायनोक्यूलर्स कैमरा देखने के लिए, फोटो निकालने के लिए, कंपास, मैप डायरेक्शन के लिए, कैब गर्म होगा धूप होगी तो, फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए, ऑफ कोर्स फर्स्ट एड बॉक्स एवरी विजिट के लिए चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर का डिहाइड्रेशन ना हो, और
कंटेनर बैग्स चाहिए, हम सैंपल्स कुछ कलेक्ट कर रहे हैं अगर स्टोन का सॉइल का, तो वो कंटेनर बैग्स चाहिए, और बिन बैग्स लिटर के लिए, जैसा हम अब देख रहे प्रीवियस क्वेश्चन में, बिन बैग्स फॉर कलेक्टिंग लिटर। तो ये 12 चीजें है, तो ये व्हाट आइटम्स विल यू टेक, के लिए आप ये आंसर लिख सकते हैं। फिर अगला सवाल एक्चुअली एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वही है प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर से, जो बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने दिया था। तो ये भी गिव ज्योग्राफिकल रीजन है, गिव ज्योग्राफिकल रीजन, इट इज नेसेसरी टू टेक आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर फील्ड विजिट एंड द क्वेश्चनायर अलोंग विद अस। तो ये आइटम्स जो है हमको नेसेसरी, हमको ले जाना है क्वेश्चनायर के साथ, क्यों लेके जाना है, तो इसका रीजन दो। तो नंबर वन, द आइटम्स कैरियड फॉर अ फील्ड विजिट लाइक नोटबुक, पेंस, पेंसिल, स्टेशनरी हेल्प इन रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस। तो ये क्यों चाहिए, ऑब्जर्वेशंस के लिए, हमने उधर ही देखा। कंपास और मैप क्यों चाहिए, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग लोकेशन एंड डायरेक्शन। कंटेनर बैग्स चाहिए कलेक्टिंग सैंपल्स के लिए, बिन बैग्स चाहिए फॉर कलेक्टिंग लिटर, और फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए, इट इज एसेंशियल इन केस ऑफ एनी इंजरी ड्यूरिंग द फील्ड विजिट। और लास्टली जो है बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी चाहिए, सो इट इज एसेंशियल टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आइटम्स नेसेसरी क्या, तो हर एक आइटम का हमने जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के पीछे का है कि आइटम्स क्या लेके जाएंगे, और ज्योग्राफिकल रीजन है तो उसका रीजन हर एक आइटम का ले जाने का हमने लिखा है 6 पॉइंट्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। तो फील्ड विजिट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। द फील्ड विजिट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज नंबर वन, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफिकल फीचर्स थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो हमको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, हम देखते हैं एक्चुअली कि कौन सी रिवर कैसे फ्लो हो रही है, क्या क्या बन रहा है, यू नो लैंड फॉर्मेशंस, तो वो। नंबर टू, इट मेक्स सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग थियोरेटिकल कंसेप्ट्स बेटर। तो इंटरेस्टिंग तो हो जाता है सब्जेक्ट, और यू नो थियोरेटिकल कंसेप्ट्स हमको अच्छे से समझ में आएंगे जो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। फिर इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरिएशंस, वेरिएशंस मतलब चेंजेस इन रिलीफ, जैसे लैंड कैसे चेंज होता है, प्लेन्स, प्लेटो, माउंटेन्स कैसे आते हैं, सॉइल अलग अलग कैसी है, वेजिटेशन, ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न एक्सेट्रा। एंड इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन, कि ऑल्टीट्यूड हाइट पर जाएंगे तो टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल के साथ वेजिटेशन कैसे चेंज होता है, रिलीफ और वेजिटेशन में क्या रिलेशन है, क्लाइमेट और क्लॉथिंग में क्या रिलेशन है। एंड इट मेक्स अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एनवायरमेंट, फील्ड विजिट से जाके हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे कि हम कैसे बिहेव करें बाहर, ऐसे हम लिटरिंग ना करें, उसकी सारी हमको जानकारी मिलेगी, जगह की जानकारी मिलेगी, कितनी ब्यूटी है एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी में वो हमको पता चलेगी। तो फील्ड विजिट से हम मोर रिस्पॉन्सिबल बनेंगे टुवर्ड्स एनवायरमेंट। एंड लास्ट इज साइंटिफिक आउटलुक और पर्सपेक्टिव डेवलप होगा, कि हम साइंटिफिकली सोचे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो वो हम क्वेश्चन आयर वगैरह जो यूज करते हैं फील्ड विजिट से, तो हमारे इसमें एक साइंटिफिक आउटलुक और पर्सपेक्टिव भी आएगा, राइट तो वही है। और कोरिलेशन आपको समझ में आना चाहिए, कोरिलेशन जो फोर्थ पॉइंट में, उसका मतलब है रिलेशन, जैसे कि अगर हम ऑल्टीट्यूड हाइट पे जाएंगे तो जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे ठंडा लगने लगता है, मतलब टेम्परेचर कम होने लगता है। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, जैसे जैसे रेनफॉल अच्छी होती है वेजिटेशन उतना ही घना होते जाता है, पहले श्रब्स होते हैं फिर एक्चुअली ज्यादा प्रेसिपिटेशन, ज्यादा रेनफॉल होगी तो वेजिटेशन आएगा, बड़े ट्रीज आएंगे मिलेंगे वगैरह, क्रॉप्स मिलेंगे। शुगर केन प्लांटेशन के लिए बहुत पानी चाहिए, तो ज्यादा वाटर ज्यादा वेजिटेशन घना होगा। फिर रिलीफ एंड वेजिटेशन में क्या रिलेशन है, रिलीफ मतलब कि माउंटेन है कि प्लेटो है कि प्लेन है वगैरह, तो उसके हिसाब से भी वेजिटेशन अलग अलग होगा। और क्लाइमेट, जैसा क्लाइमेट होगा वैसे लोग वहाँ पे कपड़े पहनेंगे, गर्म होगा तो पतले कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे, ठंडा होगा तो वहाँ पे हैवी विंटर क्लॉथिंग करेंगे। तो ये कोरिलेशन जो अब हम फील्ड विजिट पे जब जाते हैं वहां देखते हैं, तो ऑब्जर्वेशन से हमको ये सब कोरिलेशन समझ में आते हैं, तो वो पॉइंट्स है। तो ये 6 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट के। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का, वो है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ फील्ड विजिट इंक्रीजेस ज्योग्राफिकल नॉलेज। तो ये एक्चुअली आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट का पेपर है कि फील्ड विजिट से हमारी ज्योग्राफिकल नॉलेज कैसे इंक्रीज होती है, वो आप एग्जांपल्स देके बताओ। तो प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलर ही होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट ही लिखना है, लेकिन थोड़ा हम देख लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सो द फील्ड विजिट इंक्रीजेस ज्योग्राफिकल नॉलेज बाय नंबर वन, हेल्पिंग इन अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफिकल फीचर्स थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, सेम पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल करके हमने लिखा, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरिएशंस इन रिलीफ, सॉइल, वेजिटेशन एंड
ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न्स। तो हमने एग्जांपल यहाँ पे इसको एग्जांपल दे दिया कि कैसे फील्ड विजिट हेल्प करेगी। कोरिलेशन का भी सेम पॉइंट है, टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड, प्रेसिपिटेशन, वेजिटेशन का हमको कोरिलेशन समझ में आएगा। इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल करके भी दे देंगे, सेम पॉइंट है प्रीवियस क्वेश्चन के। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे इन एरियाज विथ लेस प्रेसिपिटेशन दैट इज लेस रेनफॉल सेमी एरिड टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड। ये आपके टेक्स्ट बुक के नलदुर्ग टोलीबाग के जो फील्ड विजिट है उसमें लिखा है। और फिफ्थ पॉइंट है इन एरियाज विद गुड प्रेसिपिटेशन डेसिडियस और एवरग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड। तो हमको ये ज्योग्राफिकल नॉलेज हमारी इंक्रीज होती है, हमको ये सब समझ में आता है थ्रू फील्ड विजिट। तो ये पॉइंट्स है हमारा, ये वाला भी आंसर हो गया। अब लास्टली जो है एक क्वेश्चन जो एक्चुअली 2019 में आया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। स्टेट वेदर द सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, करेक्ट द रॉन्ग वन एंड रीराइट द सेंटेंस। ये मार्च 2019 का सवाल है, क्वेश्चन था ड्यूरिंग फील्ड विजिट वेजिटेशन इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड विजिट के टाइम पे वेजिटेशन जो होता है, हमको जो वेजिटेशन दिख रहा है कि श्रब्स है कि बड़े ट्रीज है कि शुगर केन प्लांटेशन है, कैसा है जो वेजिटेशन है उससे हमको इंडिकेट करके आ जाता है, मतलब हमको समझ में आता है डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन हमने देखा, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन एक्चुअली मीन्स रेनफॉल, स्नोफॉल, एवरीथिंग, पर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे वो रेनफॉल है। तो रेनफॉल जैसे चेंज होता है वैसे वैसे वेजिटेशन चेंज होगा, ये हमने देखा कोरिलेशन है। तो वेजिटेशन इंडिकेटर हुआ, वेजिटेशन जैसा है उससे हमको पता चलता है वो रीजन में प्रेसिपिटेशन कैसा होगा, क्योंकि जब हम फील्ड विजिट पर जाएंगे हमको वेजिटेशन वहां का दिखेगा कि श्रब्स है कि क्या है, लेकिन वहां बारिश कैसे हो रही है वो हम पूरा साल तो वहां नहीं रह रहे कि हमको पता चले बारिश कैसी है। तो हम ऑब्जर्वेशन से हमको वेजिटेशन दिखता है, तो वेजिटेशन इज इंडिकेटर ऑफ प्रेसिपिटेशन, उससे हमको समझ में आ सकता है कि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है कि कम होती है। तो ये स्टेटमेंट जो एक्चुअली इनकरेक्ट है, वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन। तो स्टेट वाइज द सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, तो आंसर हमारा आएगा रॉन्ग, और हम सेंटेंस को रीराइट करेंगे ड्यूरिंग फील्ड विजिट वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन। तो इस पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है। तो यही है, ये हमारे फील्ड विजिट के क्वेश्चन आंसर्स है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स।